दीजिए अपने सपनों को नई उड़ान। क्रिस्टल फाइनेंस में अजीत माखीजानी के साथ लोन सॉल्यूशंस जो कि आप ढूंढ रहे हैं, बिजनेस लोन, मॉर्गेज लोन, ओवरड्राफ्ट एंड कैश क्रेडिट फैसिलिटी, प्रोजेक्ट लोन्स, हाउसिंग लोन्स, इंस्टेंट अप्रूवल, मिनिमम इंटरेस्ट रेट और हैसल फ्री प्रोसेस के साथ। आज ही इंक्वायरी के लिए हमें कॉल कीजिए 9011280000। क्रिस्टल फाइनेंस में अजीत माखीजानी। टाउन दर्शन न्यूज, समाचार ही नहीं विचार भी। नमस्कार, मैं अशोक पिन्यानी, आप देख रहे हैं टाउन दर्शन न्यूज। उल्लासनगर महानगर पालिका के स्थायी समिति सभागृह में आज एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें खतरनाक इमारतें व रीडेवलपमेंट जिन इमारतों की होनी है, इसके अलावा जो प्रॉपर्टीज को रेगुलराइज करना है, उस विषय को लेकर बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें मनपा आयुक्त अजीज शेख व टाउन प्लानर मुले जी ने जानकारी दी। आइए देखते हैं वो क्या कह रहे हैं। हम जानते हैं कि कुछ महीनों पहले गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र ने जो नागपुर का जो अधिवेशन था वहाँ पर एक बिल पारित किया था, 2022 उसका नाम है, और जिसमें जो उल्लासनगर सिटी के जो धोखादायक बिल्डिंग्स है उसको रेगुलराइजेशन करने के लिए या उसका रिडेवलपमेंट के लिए या उसके क्लस्टर डेवलपमेंट के लिए कुछ प्रोविजंस पारित किए गए हैं। उसके अलावा कंपाउंडिंग जो चार्जेस पहले ज़्यादा थे उसको भी कम किया गया है। अभी 2200 रुपये पर स्क्वायर मीटर का जो रेट निश्चित किया गया है। उसके अलावा और भी जो कुछ डिसीजंस लिए गए थे इस कानून में, उसकी जानकारी देने के लिए आज का ये सेशन हमने यहाँ पे आयोजित किया गया था। एक्चुअली हमको अभी ये एक्चुअल प्रैक्टिकली काम शुरू करना है। जैसा इससे पहले 2 वर्कशॉप अपन ने अरेंज किए थे, उसमें भी बहुत सारे प्रोफेशनल्स जो है, बिल्डर्स है, आर्किटेक्ट्स है, मीडिया के लोग थे, हमारे तीनों आमदार महोदय भी उसमें शामिल हुए थे। उसमें भी हमने ये बहुत सारे डिस्कशन किया गया था और लोगों तक जो है इसकी जानकारी ले जाने की हमने कोशिश की थी। आज का ये जो सेशन है ये उसी श्रृंखला की एक कड़ी है, जिसके अंदर में जैसा भी लोगों से हमको कुछ क्वेरीज आ रही थी कि इसके फॉर्म्स हम कैसे सबमिट करेंगे, कहाँ पे सबमिट करेंगे, इसका सेल कहाँ पे होगा, ऑफिस कहाँ पे होगा, इसके क्या चार्जेस हो गए, ये सभी बातें जो है इंडिविजुअली लोगों को बताने में समय भी जाता है, इसलिए हमने सोचा कि इस तरीके का एक आयोजन किया गया तो मीडिया के थ्रू या फिर जो ये जो प्रोफेशनल है इनके थ्रू ये ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका लाभ ले सकते हैं, इसलिए आज का आयोजन किया गया है। और इसके अंडर में हमने हमारे जो टाउन प्लानिंग ऑफिसर है मुले साहब, इन्होंने सभी जानकारी यहाँ पर दी है। कुछ लोगों के कुछ क्वेश्चंस भी आए थे, कुछ क्वेरीज भी आए थे, उसको भी उन्होंने अच्छे तरीके से जानकारी दी है। और इसके जो फॉर्म्स है उसका हम ऑनलाइन पोर्टल बना रहे हैं, जिसकी प्रक्रिया हम एजेंसी अपॉइंट कर वो जल्दी से हम बनाने की हमारी कोशिश है, लेकिन तब तक काम में कोई रुकावट ना हो इसके लिए ऑफलाइन भी हम एप्लीकेशंस प्राप्त करेंगे और उसके अनुसार आगे की जो प्रक्रिया है उसको हम गति देंगे। ये जो प्लान आ रहा है इसका झोपड़पट्टी धारकों को क्या फायदा है, क्योंकि उल्लासनगर में बहुत सारी झोपड़पट्टी है, उनको क्या फायदा? देखिए, ये जो कानून बना है ये सिर्फ बिल्डर्स के लिए नहीं बनाया है, बड़े बड़े बिल्डिंग्स के लिए नहीं बनाया है, ये सभी वर्गों के लिए बनाया गया है, जिसमें स्लम भी हो गए, जिसमें जो बिल्डिंग्स है वो भी है, जहाँ पे रीडेवलपमेंट अगर पॉसिबल नहीं है तो वहाँ पे क्लस्टर भी डेवलप करना पड़ेगा। और इसके अलावा शासन ने जो जीआर निकाला है उसमें ये सारे को भी उन्होंने इनक्रेज करने का उन्होंने कहा है। तो ऐसे जो झोपड़पट्टियाँ वगैरह है वहाँ पे ये सारे जैसी स्कीम भी हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। और हमारे पास ज़्यादातर जो है स्टेट गवर्नमेंट की जगह है,
अगर सेंट्रल गवर्नमेंट की जगह होती है तो थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है, क्योंकि उसमें उनकी एनओसी वगैरह प्राप्त करना पड़ती है। लेकिन स्टेट गवर्नमेंट की जगह रहने से ये सारे का इम्प्लीमेंटेशन भी ज़्यादा स्पीडीली हो सकता है, और उसके अनुसार जो ये सारे के हमारे जो सीओ साहब हैं सतीश लोखंडे साहब, इनसे मैंने कुछ दिनों पहले मुलाकात किया और उन्होंने उसके बहुत ही उत्स्फूर्त ऐसा उसको प्रतिसाद दिया है। उनका भी कहना है कि अपन ये सारी की प्रक्रिया अपने सिटी में ज़्यादा गतिशील कर सकते हैं। उनकी टीम को हमने यहाँ पे आमंत्रित किया है, एक 10-12 दिन में एक मीटिंग भी हम उनके साथ लेंगे, जिसमें ये सारी के ऑफिसर्स भी रहेंगे, हमारे महापालिका के ऑफिसर्स रहेंगे, रेवेन्यू डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स रहेंगे, प्रांत साहब रहेंगे, ऐसी हमने मीटिंग भी उसमें लेकर हम उसको भी गति देने का हमारा प्रयत्न रहेगा। देखिए, जो 2200 रुपये जो स्क्वायर मीटर का जो रेट है, ये कंपाउंडिंग चार्जेस है जो महापालिका की तरफ से जब ये फॉर्म डी इशू किया जाएगा तो ये 2200 रुपये प्रति स्क्वायर मीटर का, जो तकरीबन 220 रुपये पर स्क्वायर फीट का रेट आता है, वो फिक्स किया गया है। ये रेट पहले बहुत ज़्यादा था और इसको सरकार ने काफ़ी कम किया है कि ताकि लोगों पर जो फाइनेंशियल बर्डन आता है वो कम से कम हो। रहा जो ज़मीन का, अगर स्टेट गवर्नमेंट की ज़मीन है तो उसके बारे में जो उसका भी क्या देना पड़ेगा क्या, तो उसके बारे में पूरी जानकारी लेने के बाद ही हम आपको कमेंट करेंगे। आज की जो सभा रखी गई थी वो रेगुलेशन एक्ट में जो विंटर असेंबली सेशन में जो नया एक्ट नंबर 35 पास हो गया है, जिसमें पुराने 2006 के एक्ट में जो भी इरेगुलरिटीज रह गई थी वो कम करने के लिए किया है। पिछले एक्ट में सबसे ज़्यादा वो जो ये था कि जो अपना कंपाउंडिंग चार्ज था वो बहुत ज़्यादा भरने को आता था। फिर FSI में 4 का रिस्ट्रिक्शन था, वो बढ़ाने की बहुत दिन से मांग थी और काफ़ी सारी मांगे थी। उसमें से गवर्नमेंट ने जो डिसीजन लिया है उसके हिसाब से जो एक्ट पारित हुआ है उसके में तीन क्लॉजेस में आपको एक्सप्लेन करता हूँ। एक तो जो FSI है वो 4 की मर्यादा बढ़ा के 4 प्लस एंसिलरी 60% मतलब मैक्सिमम 6.4 तक ये FSI बढ़ाया गया है। दूसरा, कंपाउंडिंग चार्जेस पे जो ये हर चीज़ के लिए 10% 20% 30% ऐसे अलग अलग क्लॉजेस के लिए और मार्केट रेट से रिलेटेड ऐसा कंपाउंडिंग चार्जेस का रेट लगाया गया था, वो छोड़ के 2200 रुपये प्रति स्क्वायर मीटर ये किया गया है। तीसरी बात है कि जो बिल्डिंग डेवलप नहीं हो सकती है, जो बिल्डिंग रेगुलराइज नहीं हो सकती है, वो बिल्डिंग के लिए क्लस्टर डेवलपमेंट को ये दे रही है। क्लस्टर डेवलपमेंट ये नया कंसेप्ट है, मतलब इंडिया के लिए नया नहीं है, अपने लिए नया है। तो क्या होता है कि क्लस्टर ये डेवलप ऐसा रहता है कि अगर हम लोग छोटे छोटे प्लॉट डेवलप करते हैं तो DP का इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता है, वहाँ पर जो लोग हैं उनका इंटरेस्ट सर्व करना नहीं होता है, उनको रिहैब करना पॉसिबल नहीं होता है। तो इसलिए एक बड़ा पॉकेट बना के लैंड का, वो लैंड के पॉकेट में DC अपने जो DP के प्रपोजल्स है वो सब इनकॉर्पोरेट करके फिर वहाँ पर रिहैब करने का और उसके बदले में उनको इंसेंटिव देने का, ऐसा वो प्रोविजन है। तो क्लस्टर ये अभी थाना में अच्छी तरह से चल रहा है, न्यू बॉम्बे में भी अच्छी तरह से चल रहा है, बॉम्बे में भी क्लस्टर अभी चालू हुआ है, थाना में सबसे लीड में है। तो उल्लासनगर सिटी के लिए जो लैंड का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, तो कुछ भी चीज़ करने को जाओ तो लैंड का इशू आता है। तो लैंड का इशू सेटल करने के लिए क्लस्टर आपको बहुत काम करेगा। आज कोई भी एक्विजिशन करना होता है, TDR दो या वहाँ के लोगों का रिहैब करो, ये सब जिम्मेदारी कॉरपोरेशन के बस के बाहर या शासन के भी बस के बाहर नहीं है, बस के बाहर है। तो ये अगर क्लस्टर डेवलपमेंट में बिल्डर सामने आते हैं तो हम लोग क्या करेंगे कि अलग अलग क्लस्टर नॉमिनेट करेंगे यहाँ पर सर्वे करके और वो क्लस्टर के हिसाब से डेवलपमेंट प्लान बना के हम लोग उसका डेवलपमेंट प्रपोजल करेंगे। ये बहुत अच्छा प्रपोजल है। दूसरा, ये एक्ट में लिया गया है कि SRA पे वो अपने को जोर देने का है। SRA बाकी सिटी में अच्छी तरह चल रहा है, बॉम्बे में मैक्सिमम डेवलपमेंट SRA की वजह से हुआ है। तो SRA कॉरपोरेशन अपने म्यूनसिपलिटी में लाने के लिए गवर्नमेंट ने डिसीजन बहुत दिन पहले हुआ है। तो मैं आपको प्रेस को आह्वान करता हूँ कि SRA और क्लस्टर, क्योंकि मैं इस बारे में थोड़ा सा समय लूँगा आपका, ये जो शहर है ये शहर डेंजरस बिल्डिंग का और घनी आबादी का, कम ज़मीन वाला, यहाँ ज़मीन बोले तो सोना है। अब बात ऐसी है कि किसी की मालकी तो जगह ज़मीन पे आ गई तो उसके डेवलपमेंट पे ही होता है। तो ये सब निकालने के लिए, और आज आप जो अपना DP नहीं इम्प्लीमेंट हो रहा है, इसकी वजह वही है कि एकदम कंजेस्टेड और छोटे छोटे एरिया की मालकी, तो 4000 स्क्वायर मीटर के पॉकेट बना के या उससे बड़े पॉकेट बना के
एक लैंड पॉकेट बना के सब लोग आगे आए और डेवलपमेंट में अगर जाए तो सबका डेवलपमेंट भी अच्छा होगा, डीपी इंप्लीमेंट होगा, अपने को रोड भी अच्छे मिलेंगे, उस पर डेवलपमेंट चार्जेस आते हैं उसका इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए, कॉरपोरेशन को पैसा मिलेगा क्योंकि कोई भी कॉरपोरेशन इतनी अमीर नहीं है अपने इंडिया में कि अपने बलबूते पे हर फैसिलिटी कॉरपोरेशन लोगों को दे सके। हमारी सिटी में वो पोटेंशियल है लोग पैसा भी देंगे अगर आप फैसिलिटी देंगे। आप देखो आज उल्लासनगर के लोग कल्याण जा रहे हैं, डोंबिवली जा रहे हैं, अम्बाला जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं? पैसा तो सबके पास है मगर वो सिस्टम नहीं था, वो अरेंजमेंट नहीं था। अभी वो सिस्टम लाया है गवर्नमेंट ने, अब इसका बेनिफिट लेने के लिए प्रेस ने लोगों में अवेयरनेस करना चाहिए। बिल्डर आर्किटेक्ट का हमने कर दिया है और आगे मीटिंग में हो सकता है ऐसे और प्रोग्राम और भी हुए, हम लोग एसआरए के लिए भी जैसे सामने बोला वैसे भी मीटिंग कर रहे हैं। तो एसआरए और क्लस्टर ये अगर आप लोग पूरी इम्प्लीमेंट करेंगे तो ये शहर में डेंजरस बिल्डिंग का सवाल नहीं रहेगा, ऐसा मेरा कहना है, मेरा सोचना है। जय बालाजी पैकेज टूर्स लाए हैं चार धाम यात्रा, बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री, साथ ही साथ हरिद्वार भी। 28 मई से 10 जून की 13 दिन की ये शानदार यात्रा केवल 23,000 रुपए में, जिसमें आपको प्रतिदिन घर जैसा सुबह नाश्ता और रात का खाना दिया जाएगा, साथ में ट्रेन टिकट, और पूरी यात्रा होगी हरिद्वार से वापस हरिद्वार तक 13 सीटर बस से। आज ही कॉल करके अपनी बुकिंग करवाएं। जय बालाजी।